प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य गांव की गर्भवती महिलाओं और बच्चों के कुपोषण को दूर कर उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाना है। प्रदेश भर में इस उद्देश्य का सही पालन होकर गर्भवती महिलाओं को पोषण पूर्ण आहार और सलाह मिल रही है। जयपुर के पास स्थित झोटवाड़ा पंचायत समिति के गांव धानक्या में भी आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बच्चों के लिए पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं से जुड़ी ये योजना गांव के हर घर तक पहुंच रही है। पोषाहार को सुदृढ़ करने के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रातः अल्पाहार दिया जाता है, जिसमें मुख्यतः खील, गुड़ और चने का उपयोग यहाँ पर करवाया जा रहा है। इसके बारे में हमें निर्देश विभाग द्वारा प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हमारे प्रत्येक गुरुवार महीने के दूसरे गुरुवार को टीकाकरण होता है। उस टीकाकरण में हम गर्भवती तथा महिला को बुलाते हैं, जिसमें सभी लाभार्थी टेक आते हैं। उसमें गर्भवती महिलाओं का जैसे 1.5-2 महीने पे हमें पता चलते हैं, उसका टीकाकरण करवाते हैं। उसका फर्स्ट टीका है, पीटी फर्स्ट लगता है, और दूसरा टीका 28 दिन के बाद यानी 1 महीने के अंतराल में दूसरा टीका लगवाते हैं। आज हमारे यहाँ हमारे बच्चे का अल्पाशन अन्नप्राशन वो कार्यक्रम किया गया। इसके अंतर्गत मेरे बच्चे को मंजीरी, केले, बताशे वगैरह दिए गए।